नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के हर गली चौराहे पर आपको फुटपाथी दुकानदार देखने को मिल जाएंगे, जो आज भी वही होंगे जहां 5 साल पहले हुआ करते थे, क्योंकि दिन भर में जितनी कमाई वो करते हैं उसी से उनका जीवन व्यतीत होता है। कभी अच्छी कमाई हुई तो 3 टाइम का खाना खा सकते हैं। ऐसी ही जिंदगी के साथ फुटपाथ पर दुकान करने वाले लोग अपना गुजारा बसेरा कर लेते हैं, लेकिन अब इन फुटपाथ पर रहने वालों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि सरकार अब फुटपाथ पर काम करने वाले लोगों पर ध्यान दे रही है। यही कारण है कि बिहार के 25 शहरों के करीब 15,000 फुटपाथी दुकानदारों को मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन दुकानदारों को रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस दौरान वेंडरों को कौशल प्रशिक्षण का काम भी दिया जाएगा, जिससे उनके काम की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। इसको लेकर नगर विकास और आवास विभाग ने योजना की शुरुआत की है और पहले चरण में बिहार के विभिन्न शहरों से करीब 5,000 वेंडरों को मल्टीनेशनल कंपनी में जोड़ने का निर्णय लिया है। इसमें खाद्य पदार्थ की सप्लाई के लिए 618 वेंडरों को स्विगी और 60 को जोमैटो कंपनी से जोड़ने का काम किया जाएगा। सरकार की इस योजना से निम्न आय वर्गीय परिवार की आर्थिक और सामाजिक हालात में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे खासकर की बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, बेगूसराय सहित 2 दर्जन से अधिक शहर के फुटपाथी दुकानदारों को फायदा होगा। खाने पीने के सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के साथ ही दर्जी, मोची, कपड़ा प्रेस करने वाले प्लम्बर सहित अन्य दुकानदारों को भी इसका लाभ मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से इन्हें जोड़े जाने के लिए नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से वेंडरों का पैन कार्ड, आधार कार्ड सहित दूसरे आईडी का रजिस्ट्रेशन किया गया है। कोरोना काल में आम से लेकर खास आयु वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिससे उबरने में पीएम स्वनिधि योजना ने काफी मदद की है। वहीं अब फुटपाथ पर काम करने वालों की स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने एक और खास पहल की है, जिसके तहत अब इन दुकानदारों की जिंदगी बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सरकार की यह योजनाएं कितनी धरातल पर उतरेगी यह आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हम और आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में फुटपाथी दुकानदारों की किस्मत बदले। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।